महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। गजानन कीर्तिकर उद्धव गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पहले ही दो गुटों में बंट चुकी है और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान भी छिन चुका है। वहीं अब गजानन कीर्तिकर का शिंदे गुट में शामिल होना भी उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि गजानन कीर्तिकर मुंबई से शिवसेना के सांसद हैं। मुंबई में ही आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिंदे और कीर्तिकर एक साथ नजर आए थे और यहीं पर कीर्तिकर ने एकनाथ शिंदे के गुट का दामन थाम लिया। गजानन कीर्तिकर को अपने गुट में शामिल करने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गजानन कीर्तिकर ने आज बालासाहेब की शिवसेना पार्टी में सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया। इस अवसर पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामना दी। अगर आंकड़ों की बात करें तो शिंदे गुट में गजानन के शामिल होने के बाद शिंदे गुट में सांसदों की संख्या 13 हो गई है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के पास अब 9 सांसद रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।